नगरी इंदौर में गीता जयंती 7 दिवसीय महोत्सव इस बार अनेक ज्वलंत मुद्दों पर विचार मंथन करने के साथ होगा, जिसमें लव जिहाद जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। गीता भवन मंदिर स्थित ट्रस्ट के अध्यक्ष रामचंद्र एरन ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। मालवा अंचल की प्रमुख आस्था के केंद्र गीता भवन मंदिर में 65वें अखिल भारतीय गीता जयंती महोत्सव के 7 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ आगामी 2 दिसंबर को दोपहर 1 बजे वैदिक मंगलाचरण एवं शंख ध्वनि के बीच दीप प्रज्वलन के साथ होगा। आयोजन में जगत गुरु शंकराचार्य, पूरी पीठाधीश्वर स्वामी, निश्चलानंद सरस्वती सहित 50 से अधिक संत विद्वान प्रतिदिन दोपहर में अपने प्रवचनों की अमृत वर्षा करेंगे। वहीं गीता जयंती महोत्सव में इस बार देश के अनेक ज्वलंत मुद्दों पर भी विचार मंथन होगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष रामचंद्र एरन की माने तो देश में लव जिहाद का मुद्दा इन दिनों काफी चर्चा में है, जिस पर गीता जयंती महोत्सव में विद्वानों द्वारा विचार मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही धर्मांतरण, हिंदुत्व, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, वैचारिक प्रदूषण एवं शिक्षा नीति जैसे मुद्दे भी विचार मंथन में प्रमुख रहेंगे। वहीं होने वाले आयोजन को लेकर ट्रस्ट द्वारा बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है। इस वर्ष यह 65वां गीता अखिल भारतीय गीता जयंती महोत्सव है जो गीता भवन में मनाया जा रहा है। इस वर्ष गीता जयंती महोत्सव 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक मनाया जाएगा। 4 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है, उस दिन प्रातःकाल 8 बजे से 10:30 बजे तक गीता के मूल पाठ का वाचन होगा। बाकी सभी दिनों तक 1 बजे से शाम के 6 बजे तक गीता पर देश के विभिन्न विद्वान पधार कर प्रवचन देंगे। इसके साथ ही इस वर्ष हम लोगों ने एक अनूठा प्रयास करने की कोशिश की है कि देश के 7 ज्वलंत मुद्दों पर प्रतिदिन एक जो विद्वान रहेंगे उनसे इस बाबत चर्चा की जाए और वो उपस्थित धर्म प्राण जनता को अपने उस बारे में विचार व्यक्त करें और अंत में उसके बारे में शपथ लें। ये 7 ज्वलंत मुद्दे रहेंगे, लव जिहाद, धर्मांतरण, हिंदुत्व, पर्यावरण, जल संरक्षण, वैचारिक प्रदूषण और शिक्षा नीति। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी पधारे हुए संत महात्माओं के लिए भंडारे की व्यवस्था रखी गई है और भंडारे की व्यवस्था की जिम्मेदारी इस वर्ष सनी उपासक मंडल के श्री प्रदीप अग्रवाल जी द्वारा ली गई है। कौन कौन से विद्वान पधारेंगे? गीता जयंती महोत्सव में पुरी के शंकराचार्य श्री निश्चलानंद जी महाराज, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी, जगदीशपुरी जी महाराज एवं अन्य संत पधार रहे हैं। करीब लगभग 50 संत आएंगे और प्रतिदिन 5 संतों का प्रवचन होगा।